रविवार को रेलवे क्रिकेट ग्राउंड पर लक्ष्य चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मैच बीएसएनएल एलसीटी और सीएजी एलसीटी के बीच खेला गया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए बीएसएनएल की टीम 40वें ओवर में 159 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। सीएजी के कप्तान अभिनव बाली ने धारदार गेंदबाजी करते हुए 8 ओवरों में 21 रन देकर 6 विकेट लिए। 160 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए उतरी कैग की टीम ने 34 ओवर में लक्ष्य को हासिल कर लिया। कैग के विकेट कीपर महेंद्र ने नाबाद 72 रन बनाए। विजेता टीम के कप्तान अभिनव बाली को मैन ऑफ द मैच और प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब दिया गया। विजेता टीम को मुख्य अतिथि मृत्युंजय त्रिपाठी ने ट्रॉफी प्रदान किया। रन 2 विकेटों के नुकसान पर बीएसएनएल का मैच 84 रन 2 विकेट जबकि स्कोर 87 रन 3 विकेटों के नुकसान पर बीएसएनएल का। मैं अच्छा हो मैं आपको बता दूं कि सुबह जब मैच शुरू हुआ था तो टॉस बीएसएनएल ने जीता था। बल्लेबाजी करने के लिए उन्होंने स्वयं बल्लेबाजी की और 159 रनों का लक्ष्य उन्होंने रखा था कैग को। बीएसएनएल को 5 विकेट से हरा के इस चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट को जीतने का गौरव हासिल किया। बाकी सर मौजूद हैं, हम उनका अरुणा यादव मैडम और साथ ही डॉक्टर तब से उनकी एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। रिजवान खान सी जी मैडम लंच चैंपियंस ट्रॉफी और 2 लाख रुपए ये नगद पुरस्कार।